बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। तीन हथियारों सहित खरखोदा में दो गिरफ्तार, 9 कारतूस भी बरामद। मुकेश जाखड़, एसीपी गोहाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि सोनीपत में सीआईए 2 को बड़ी कामयाबी मिली है। ये जानकारी एसीपी गोहाना मुकेश जाखड़ ने सेक्टर 7 में स्थित सीआईए 2 कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पुलिस ने दो आरोपियों को खरखोदा बाईपास से सचिन और रोहन को किया गिरफ्तार। सचिन के पास से 2 व रोहन के पास से 1 हथियार किए गए बरामद। वही दोनों आरोपियों से 9 कारतूस बरामद भी किए गए हैं। सचिन पर फायरिंग मामले में खरखोदा थाने में 2 मामले दर्ज हैं, वही रोहन पर भी दर्ज है कई मामले। सचिन पर कुल 4 मामले दर्ज है, जिनमें 2 मामलों में वांटेड चल रहा था। सचिन हथियार सप्लाई करने मामले में वांटेड चल रहा था और उस पर ₹5,000 का इनाम भी घोषित था। खरखोदा में हुई फायरिंग करने मामले को पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दहशत फैलाना चाहते थे। आरोपियों पर आर्म एक्ट और लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। 2 आरोपी पकड़े हैं अपने सीआईए 2 की टीम ने। सचिन संदीप के नेतृत्व में टीम थी, खरखोदा बाईपास से अरेस्ट करे हैं 2 लड़के, सचिन और रोहन। इनसे सचिन से तो 2 वेपन रिकवर हुए हैं और रोहन से 1 है, और 1 से 6 कारतूस हैं, 1 से 3 कारतूस हैं। ये बाईपास खरखोदा से इनकी ना आपराधिक मामलों में बन सकते, ये खरखोदा के अंदर हैं। इसके सचिन के तो 2 मुकदमे हैं जिनमें इसने फायरिंग करी थी पीछे, और उस पर भी 2 ही हैं, इस पर 2 और हैं सचिन पे एक्स्ट्रा मुकदमे, जिसमें ये वांटेड था हमारे जो वेपन सप्लाई करता था उसमें। कितने का इनाम रखा हुआ था सर? 5,000 का इनाम। इन्होंने जो खरखोदा में 1 दिन में 3 फायरिंग की अलग अलग जगह पर, क्या कारण था वो फायरिंग करने का? कोई जिस पर फायरिंग करी, एक पर तो इनका पैसे का लेन देन था और मामले विवाद था दूसरों से, और कोई ज्यादा वो नहीं था, कोई दहशत फैलाने के उसे बस वही था। अभी रिमांड लेंगे, जी रिमांड के बाद आपको बताएंगे। सर किसी और घटना को अंजाम देने वाले थे, क्योंकि जो हथियार बरामद हुए कारतूस बरामद हुए, अभी तो इनका रिमांड लेंगे पुलिस रिमांड, उसके बाद बताऊंगा के हैं जिनमें ये अरेस्ट हो चुके हैं, और 2 मुकदमे हैं आर्म्स एक्ट के और 3 मुकदमे और हैं लड़ाई झगड़े। पैसे का लेन देन का इनका आपस में पैसे का लड़ा, उसके काम का ही हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को। बिरला इंटरनेशनल स्कूल स्ट्रॉन्गली बिलीव्स दैट लर्निंग मस्ट बी प्रैक्टिकल, एंड फॉर दिस सेक बिरला स्कूल प्रोवाइड्स एन इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। द स्कूल हैव वेल डेकोरेटेड स्पेशियस एंड कलरफुल फुली एसी क्लासरूम्स, चाइल्ड फ्रेंडली अट्रैक्टिव फर्नीचर, स्मार्ट बोर्ड्स टू एंगेज एंड टीच स्टूडेंट्स। द स्कूल ऑर्गेनाइजेस काउंटलेस एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट्स, विच इंक्लूड्स स्टोरी टेलिंग, पोएम रेसिटेशन, डांस, सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मैनी मोर। Birla International School makes education more creative by adding joy of learning. With a very, very efficient team of teachers, Birla International School invites you for a beautiful experience of education. My daughter has attended this school for 2 years now. She absolutely loves the school and the staff. Academic program of the school is great as well. Like, share, subscribe, जरूर करें हमारे news channel Haryana Live 24. यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी activity करवाई जाती है, और यहाँ बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, गेम्स। बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, बच्चा उस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। माय डॉटर जितिका स्टडी इन बिरला इंटरनेशनल स्कूल, आई सेम्स द स्कूल एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल एक्टिविटीज इन वेरी गुड। हम मदर स्टेट के हैं, तो हमें लगा कि बच्चा पता नहीं एडजस्ट कर पाएगा, नहीं नया स्कूल है, नए बच्चे हैं, नए टीचर, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा बच्चा बिरला इंटरनेशनल स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आता है। मेरा बेटा बिरला इंटरनेशनल स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ता है।
मुझे बिरला स्कूल के एग्जीबिशंस अच्छे लगते हैं। बेटा बहुत पहले क्वाइट था, बहुत ज़्यादा शाई नेचर का था, बट अब वो बहुत सारी बातें करता है। मेरे बेटे का नाम प्रतीक है, वह बिरला इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। टाइम टाइम पर पीटीएम करवाई जाती है, बच्चे को और फंक्शन में पार्टिसिपेट किया करवाया जाता है। स्टेज फोबिया उसका दूर हो सके।